मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेले शहरी शाला प्रवेशोत्सव बीजा दिवसे आज अमदावाद जिल्ला में विरम गामनी तालुका प्राथमिक शाला में बाळकोनु नामांकन कराव्यु हतु। मुख्यमंत्रीए 48 भूलकाओने आंगणवाड़ी में प्रवेश कराव्यो हतो। 21 बाळकोनु पहला धोरण में नामांकन कराव्यु हतु अने 26 दीकरीओ तथा 19 विद्यार्थीओने धोरण 9 में प्रवेश करावी स्वागत कर्यु हतु। मुख्यमंत्री आ कार्यक्रम माटे सवारे 7:30 वाग्याना टकोरे शालाए पहोंची गया हता। आज राजकोट खाते शहरी विस्तार शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में हाजर रही श्रम रोजगार मंत्री विजयभाई रूपाणीए नाना भूलकाओनु नाम शाला में दाखल कराव्यु हतु। रैयाधार स्थित डॉक्टर झाकीर हुसैन प्राथमिक शाला में बोलता श्री रूपाणीए जणाव्यु के स्कूले जवापात्र एक पण बाळक शिक्षण थी वंचित न रहे तथा ते अधवच्चे थी शाला छोड़ी न जाए ते माटेनी चिंता मुख्यमंत्री आनंदीबेने करी छे अने कन्या केळवणी तथा शाला प्रवेशोत्सवना कार्यक्रम थकी आ शिक्षण यज्ञ आरंभ्यो छे। शाला में प्रवेश करनार बाळाओना वालीओने रूपाणीने हस्ते विद्यालक्ष्मी बॉन्ड तथा शिष्यवृत्तिना चेक अर्पण कराया हता। केन्द्र शासित प्रदेश दमण में आ वखते प्रथम वक्त शाला प्रवेशोत्सव मनावामां आव्यो। दमण नगरपालिका द्वारा नानी दमण मॉडल शाला में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो ज्यां 72 नवा बाळकोए प्रवेश लीधो छे। बाळकोने स्कूल बेग अने शैक्षणिक किटनुं वितरण करवामां आव्यु हतुं। समाजसेवक अस्पी दमणिया तरफथी मीठाई वहेंचवामां आवी हती। आ प्रसंगे नगरपालिकाना सीईओ किशन कुमार, शिक्षण समितिना चेरमेन परसिल दमणिया अने समाज कल्याण तथा शिक्षण विभागना अधिकारीओ उपस्थित रह्या हता। अमदावाद साबरमती हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला अने सुभाषब्रिज कन्या गुरुकुल में आज विद्यारंभ संस्कार प्रवेशोत्सव योजाई गयो जेमा प्राचीन वेशभूषा में आवेला 51 दीकरा दीकरीओए शोभायात्रा बाद प्रवेश लीधो हतो। आ शोभायात्रा में 8 गजराज, 15 अश्वो, 5 बे पालखी, 27 घोड़ागाड़ी अने 11 बड़दगाड़ा जोड़ाया हता। आ साथ ज ढोल, त्रासा, तुतारी, ढेरी, नासिक ढोल, खड़गवाड़ी ढोल अने शरणाईए शोभायात्रा में अनोखा रंग पूर्या हता। संयमित जीवन मार्ग अपनावी चारित्र निर्माण करता गुरुकुळना आ विद्यार्थीओनो अनोखी रीते प्रवेश करावामां आव्यो हतो। જે વિદ્યારંભ સંસ્કાર છે, આપણે 16 સંસ્કારની અંદર વિદ્યારંભ સંસ્કાર એક મહત્વપૂર્ણ સંસ્કાર ગણાય છે। એ વિદ્યારંભ સંસ્કાર શાસ્ત્રો જે પ્રમાણે કહે છે કે આ વિદ્યારંભ સંસ્કાર કઈ રીતે થવું જોઈએ એ પ્રમાણે એ શાસ્ત્રીય પરંપરાથી આ વિદ્યારંભ સંસ્કારનો આજે કાર્યક્રમ છે। ભારતીય જીવન વીમા નિગમ LIC દ્વારા અમદાવાદ ખાતે વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ 32મી વેસ્ટર્ન ઝોન ટુર્નામેન્ટ 2 દિવસ ચાલશે અને શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરનાર ખેલાડીને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની રમત માટે પસંદ કરાશે। LIC યુવા ખેલાડીઓને રમત જગતમાં સ્થાન મળે અને તે માટે પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી આ ટુર્નામેન્ટ દર વર્ષે આયોજન કરવામાં આવે છે તેમ LIC વિભાગીય વડા PK મહાપાત્રએ જણાવ્યું હતું। ગ્રામીણ કક્ષાએથી રાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધી યુવા પ્રતિભાને લઈ જવા માટે રમતગમતની પ્રાથમિક સુવિધાઓમાં વધારો કરવાનું જરૂરી હોવાનું ખેલાડીઓએ જણાવ્યું હતું। આ સાથે જ આ બુલેટિન અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ। નમસ્કાર।